खेती की जो हालात है, राज्य सरकार की जिस प्रकार की दिशाविहीन नीतियां हैं उसके चलते आज चास और चासी दोनों संकट में हैं। इसलिए इस कृषक गर्जन समावेश के माध्यम से भारतीय किसान संघ 3 नवंबर को सरकार तक किसानों की आवाज़ पहुंचाने के लिए हजारों की संख्या में किसानों को आहूत कर रहा है। मैं राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और राज्य सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि 3 नवंबर को तो हमारी ये रैली शांतिपूर्वक होगी, लेकिन आने वाले दिनों में इस रैली से हम जिला स्तर पर आंदोलन का शंखनाद करेंगे। यहाँ से जाकर ये सभी चासी हर जिला केंद्र पर आंदोलन करेंगे। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जब जब भी किसान जागृत हुआ है, संगठित हुआ है, वो क्रांति के रास्ते पर आया है, तो वो परिवर्तन लेकर आता है। फिर चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन हो, समाज का परिवर्तन हो या सत्ता का परिवर्तन हो। हम सरकार से इस कृषक समावेश के माध्यम से जिन 21 मुद्दों पर बात करने आए हैं उसमें प्रमुख तौर पर किसानों की फसल का लाभकारी मूल्य की बात हम करना चाहते हैं। उड़ीसा जैसे प्रदेश में जहां महानदी है वहां सूखा और बाढ़ की स्थिति रहती है, इसलिए हम सिंचाई की संपूर्ण व्यवस्था और अंतिम खेत तक पानी मिले इसके बारे में हम प्रमुख मुद्दा इसको उठा रहे हैं। जिस उड़ीसा सरकार ने कभी घोषणा की थी कि हम किसान का धान 2900 रुपये में खरीदेंगे, लेकिन आज मात्र 2100 रुपये में उसको MSP मिल रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रस्ताव को राज्य सरकार ने पारित किया था उसी मूल्य पर धान की खरीद होनी चाहिए। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज राज्य में सारे धान के किसान एक बात से त्रस्त है, राज्य सरकार में जो टोकन व्यवस्था की है जिसके चलते आज धान के किसान को टोकन दिया जाता है, उस टोकन को समय पर वो फसल उसमें नहीं बेच पाता है, और जब वो टोकन के माध्यम से मार्केट में फसल लेकर आता है तो कहीं 8 KG पर क्विंटल, कहीं 10 KG पर क्विंटल की कटाई होती है। इसलिए भारतीय किसान संघ की पुरजोर मांग है कि ये टोकन व्यवस्था बंद होनी चाहिए और जितना पैदा करता है किसान उसका सरकारी भाव पर, चाहे वो व्यापारी खरीदे या सरकार खरीदे, उस पूरी फसल की खरीद होनी चाहिए। इसी प्रकार से हमने बोनस की बात की है, चाहे वो मक्के के किसान की बात हो, मछली के किसान की बात हो, ऐसे कुल मिलाकर जितने भी उड़ीसा में आज किसानों के मुद्दे हैं उन 21 प्रमुख मुद्दों को लेकर हम आए हैं। आज पूरा समाज बीमारियों से ग्रसित है, उसके कारण से उसका एक बड़ा कारण है कि आज खेती में जिस प्रकार से पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, भारतीय किसान संघ का मानना है कि हम मिलेट्स और जैविक खेती को बढ़ावा देकर उसकी मार्केट बनाकर समाज के स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, धरती की रक्षा कर सकते हैं, वो भी हमारा एक प्रमुख मुद्दा है। तो ऐसे किसानों के लैंड सेटलमेंट से लेकर और इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय किसान संघ 3 नवंबर को एक हुंकार यहाँ पर भरेगा। निश्चित तौर पर ये हजारों किसान उड़ीसा प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने का काम करेंगे और 3 नवंबर को जो हमारा दाबी पत्र है वो हम माननीय मुख्यमंत्री को देंगे। उसके बाद अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में संपूर्ण उड़ीसा प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन ये भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में हम खड़ा करेंगे और उस आंदोलन की परिणति निश्चित तौर पर एक बड़े परिवर्तन के रूप में होगी। आपके माध्यम से मैं संपूर्ण समाज का, किसानों का आह्वान करना चाहता हूं कि भारतीय किसान संघ के इन तमाम मुद्दों के साथ, क्योंकि ये पूरा आंदोलन गैर राजनीतिक है, किसानों को लेकर है, किसानों के लिए है, किसानों के द्वारा है, इसलिए भारतीय किसान संघ के इन तमाम मुद्दों रखे हैं जो इस डिमांड पत्र के माध्यम से आप सबको अभी हम देंगे भी। इन 21 मुद्दों पर हमने लाखों किसानों के हस्ताक्षर लिए हैं और 3 नवंबर को हम आगे जिलों के आंदोलन की घोषणा के साथ इस आंदोलन को और आगे लेकर जाएंगे। तो मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी कहना चाहता हूं कि इन किसानों के मुद्दों को आप भी अपने अपने चैनल्स, मीडिया हाउसेस के माध्यम से समाज तक लेकर जाए। आज की पत्रकार वार्ता करने का उद्देश्य यही है कि हम अपनी बात आपके माध्यम से सरकार और समाज तक कहना चाहते हैं। यह पूरा मार्च हम शांतिपूर्वक करना चाहते हैं, इसलिए प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सहयोग करें। किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होगा तो देश प्रदेश भर से आया हुआ किसान अगर किसी प्रकार से उग्र होता है तो उसका दायित्व भी
भुवनेश्वर के शासन और प्रशासन का होगा। हम अपनी बातें कहने आए हैं, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए। हम इस देश के किसानों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि संगठन है, इसलिए आज की इस पत्रकार वार्ता में कुछ बातों पर मैंने आपको यहाँ बताया है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, लगभग 250 ब्लॉक के 12,000 गाँव से हजारों किसान यहाँ आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी बद्रीनारायण जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मोहिनी मिश्र जी इस रैली को विशेष तौर पर संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। एक बहुत बड़ा किसानों का ये गैर राजनीतिक संगठन और ये समावेश होगा। मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये शांतिपूर्वक है, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। किसानों के मुद्दों को लेकर उनकी प्रभावी आवाज़ उठाने हम आ रहे हैं, लेकिन अगर इस आवाज़ को नहीं सुना गया तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णायक आंदोलन ये भारतीय किसान संघ उड़ीसा में करेगा। तो मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। आप सब मीडिया के मित्र आए, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि इन तमाम मुद्दों को आप भी अपने चैनल्स के मीडिया हाउसेज के माध्यम से समाज के बीच में लेकर आएँ। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारे निवेदन पर आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।